हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हुआ यूं, जब मैं तैयार हो रही थी मेरे ऑफिस के लिए तो मैंने सोचा ये परफेक्ट ऑफिस लुक मैं कैसे करती हूँ ये मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, और कैसे मैं बनाती हूँ अपने कर्ल्स, मेरा पफ, हेयर स्टाइल एंड ऑल। सो मैंने ये सोचा और अब आपके लिए लेके आई हूँ मैं अपनी ये वीडियो। आप जान पाएंगे कैसे आप परफेक्ट ऑफिस लुक पा सकते हैं। सो लेट्स गेट रेडी विथ मी एंड ये मेकअप 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं अपने चेहरे को प्रिपेयर करूंगी पहले एक बेस से। बेस के लिए मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल, एक पी साइज का एलोवेरा जेल आप ले लें, फिंगर पर रब करके फेस पर अच्छी तरह से लगा दें, और इसके लगाने के बाद ठंडा ठंडा सा फील होगा आपको स्किन के ऊपर, बहुत अच्छा लगेगा। 2 मिनट थोड़ा वेट करेंगे ताकि वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तब तक मैं अपने बाल खोल लेती हूँ। अब 2 मिनट हो गए हैं। अब मेबेलिन का बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अब जो भी आप बीबी क्रीम यूज़ करते हैं, आप जो एलोवेरा जेल के बाद कोई सा भी बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, और ये मेरे फेस को लाइट टू मीडियम कवरेज देता है। हालांकि डेली यूज़ के लिए फाउंडेशन अच्छा नहीं होता है स्किन के लिए, और बहुत हैवी केकी में भी हो सकता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो मैं यूज़ करती हूँ बीबी क्रीम इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन। और इसके बाद मैं लगाऊंगी मेरा सनस्क्रीन, लैक्मे सनस्क्रीन 150 SPF। बाहर धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, SPF आपके स्किन पे होना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूवी रेज बहुत हार्मफुल होती हैं और आपके स्किन को बुरी तरह से टैन कर सकती हैं। तो आपके बॉडी का जो पार्ट भी सन के एक्सपोजर में आ रहा है उसको आप याद से एक सनस्क्रीन लगा के कवर कर लीजिए, और धूप में जाने के 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाना होता है। अब मैं अपने लिप्स के लिए कोई लिपस्टिक यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन मैं बेबी लिप्स का ये पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ। लिपस्टिक मैं वैसे डेली यूज़ के लिए लिपस्टिक मैं वैसे अवॉइड करती हूँ लगाना, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है कि मैं जो भी लिपस्टिक लगाती हूँ कुछ टाइम बाद, 3-4 घंटे बाद वो लिप्स के क्रीज पे सेटल होना स्टार्ट हो जाता है, चैप्ड लिप्स हो जाते हैं, फटे-फटे से हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, और ये बेबी लिप्स तो फैंटास्टिक है। अब मैं अपने आंखों के लिए यूज़ कर रही हूँ लॉरियल मशीक का ब्लैक काजल। मैं आईलाइनर अपने अपर आईलेट पे नहीं लगाऊंगी, लोअर आईलेट पे ही सिर्फ आज काजल लगा रही हूँ। और ब्लैक आईलाइनर लगाने के बाद मैं मेबेलिन का विविड ब्लू शेड में आईलाइनर लगा रही हूँ ब्लैक के नीचे, क्योंकि मैंने ब्लू ड्रेस पहनी है, मेरे शर्ट का कलर ब्लू है, तो उससे सेम टू सेम ये कलर रॉयल ब्लू कलर मैच हो रहा है। एंड आई लव दिस कलर गर्ल्स, इफ़ You want one colorful liner, ये वाला तो आपके पास होना ही चाहिए, बहुत प्यारा कलर है इसका। तो ये मेरा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बस मैं अपना हेयर स्टाइल बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी मैं अपने कर्ल्स कैसे बनाती हूँ। तो पहले बालों को अच्छी तरह से कोम कर लूँगी, उसके बाद ये वाले पिंस यूज़ करूँगी पफ बनाने के लिए। अपने बालों का थोड़ा सा सेक्शन ले लूँगी राइट साइड की तरफ, उसको रोल कर दूँगी 3-4 बार, मैं उसको इस तरह से घुमाऊँगी, और जितना ज़्यादा मुझे पफ चाहिए होगा हाई लो उस हिसाब से बालों को आगे पुश करूँगी, तो हाई हो जाएगा और पीछे लूँगी तो लो हो जाएगा। तो मुझे ज़्यादा पफ नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा ही हल्का पफ चाहिए, और उसके बाद मैं ये क्लिप लगा लूँगी। आजकल सेंटर बीच का जो पफ होता है वो बिल्कुल फैशन में नहीं है, आउटडेटेड है और अच्छा नहीं लगता है, और मुझे अब वो चीप सा लगता है। तो मैं साइड पफ बनाती हूँ, टिल्ट पफ बनाती हूँ कुछ इस तरह से, और 2 पिन लगा दूंगी ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए पफ, मेरे बाल इधर से उधर ना हिले, मेरे फेस के ऊपर ना आए, क्योंकि ऑफिस में काम करते टाइम बाल अगर मेरे फेस पे आए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं फोकस फील नहीं करती हूँ। तो मेरा पफ रेडी है। अब ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने अपने बाल को कर्ल कर लिया है। ये हीटलेस कर्ल है जो मैं हर संडे को करती हूँ, इसका ट्यूटोरियल भी मैंने अपलोड कर रखा है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर आकर के। और ये देखिए मेरे दूसरे बाल कैसे हैं राइट साइड के, अब उसको मैं अपने फिंगर से बस रोल करूँगी और ये देखिए कैसे कर्ल हो गए हैं। शायद ही कोई होगा जो इस तरह से अपने बाल कर्ल करता होगा, लेकिन मेरे बाल मेरी बात सुनते हैं और जैसा मैं चाहूँ ये वैसे ही हो जाते हैं। आई एम किडिंग, अगर आप अपने बालों को कर्ल करते हैं हर संडे जिस तरह से मैं करती हूँ तो वो पूरा हफ्ता आपके बाल कर्ल ही रहेंगे, और अगर आप ज़रा सा बालों को फिंगर से ऐसे कर्ल कर देंगे, घुमा देंगे और इस तरह से बाउंस करेंगे नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे दबाएंगे, तो फिर आपके बाल वैसे ही कर्ल हो जाएंगे। तो इसके लिए फॉलो करना होगा आपको वो स्टेप्स जो मैंने अपने ट्यूटोरियल में दिए। तो देखिए पीछे से मेरे बाल कैसे कर्ली लग रहे हैं, और मैं बहुत जल्द हेयर केयर का भी एक वीडियो लेके आऊँगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी ये कर्ल को अपने बालों में स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग कर्ल्स बन पाएंगे। तो अब मैं पहनूंगी मेरी वॉच और मैं ऑलमोस्ट डन हूँ, रेडी हूँ अपने ऑफिस जाने के लिए। तो ये था मेरा परफेक्ट ऑफिस लुक। ना मैंने कोई ज़्यादा मेकअप किया है, फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट मैंने कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ हार्डली 3-4 प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं।
और मैंने यूज़ किया एलोवेरा जेल, मेबिलिन बीबी क्रीम, काजल, लिप बेबी लिप्स, सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स यूज़ किया है और डेली यूज़ के लिए यही बेस्ट है हमारे स्किन के लिए। स्किन के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्ट्स ना ही लगाए तो बेटर है। तो चलिए मैं लेट हो रही हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।